तुम्हारे लिए माइक लग रहा है, लगा ना है भाई लंगू, लंबू लगा रहा है। हेलो, हाँ आ रही आवाज, आ रही है, आ रही है, हाँ महिलाओं को आवाज जा रही है, महिलाओं को भी आवाज जा रही है, महिलाओं को भी आवाज जा रही है ना, अच्छी बात है। हाँ 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 अच्छी बात है। देख देखिए इस एक्ट को वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं और ये एक्ट मैं बहुत कम स्टेज पे करता हूँ और यहाँ पर अरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हाँ बहुत सारे लोग आए हुए, सब तेरे को सुनना चाहते हैं, है ना, तेरे को सुनना चाहते हैं। ओके ओके ओके। हाँ तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के कार्यक्रम में जितने लोग आए हुए हैं, पहले तो कमिटी मेंबर का थैंक यू, कमिटी मेंबर का जरूरी भी है, कमिटी मेंबर ने ही ये सारा माँ काली पूजा समिति पक्की सराय। अच्छा अच्छा, हमको लगा कच्ची सराय। नहीं नहीं पक्की सराय, पक्की है। रोड पक्की क्यों नहीं कर रहे? रोड भी करेंगे, रोड भी पक्की करेंगे, अभी आ रहे नए नए नेता आ रहे हैं, वो लोग करेंगे, रोड पक्की करेंगे। हाँ तो आज के इस दरबार में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो नाम जानता हूँ उनका नाम लेना चाहूंगा। सनोज जी, बड़ा अच्छा प्यार मिला आपका। क्या? सनोज, सरोज, सरोज, सनोज, सरोज, सनोज। अच्छा अच्छा, सनोज, नोज मतलब नाक। हाँ ये टीम की नाक ही है वो, और साथ ही साथ हमारे टिंकू जी। मोटू भाई, ओए चुप रह, टिंकू जी है, टिंकू जी, फल फल न माने टिंकू जी, चुप रह। मोटू भाई जिसको तू कह रहा है ना, उनको सब टिंकू जी के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, रेडी रेडी। हाँ और साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं दिगंबर जी, जो बभनगामा के मुखिया जी भी हैं। दिगंबर जी, दिसंबर जी, दिसंबर नहीं रे, दिगंबर, नवंबर, नवंबर, दिगंबर, दिगंबर, ओके ओके, दिगंबर जी, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको बताऊं कि मैं राज हूं और इसका नाम है रोमियो। हेलो, मैं बहुत दूर से इसको लेकर आया यहाँ पर। ये क्या कर रहा है? ये सेंट तूने मारी है क्या? हाँ मैंने मारी है, तुझे पता है मैं 1500 रुपए की सेंट लगाता हूँ। क्या हुआ? देखिए भाई साहब, 500 रुपए की सेंट लगाता हूँ। बोला ना तेरे को औकात में, मिल जाता है तो लगा लेता हूँ। अब सही है? तेरे को क्या लगता है मैं नहाता नहीं हूँ? चुप रहे, मैं पैर से कमर तक लगाता हूँ लाइफ बॉय सॉफ। अच्छा? हाँ, कमर से गर्दन तक लगाता हूँ डेटॉल सॉफ। क्या? हाँ, और चेहरे में टॉयलेट सॉफ। चुप रहे, तू ही लगाता होगा टॉयलेट सॉफ, बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जानते तू अभी जो है ना। अच्छा एक बात और साहब, इसको ना शायरी बहुत अच्छी आती है। हाँ हाँ हाँ, सुना दे। नहीं क्यों? पहले तू? नहीं पहले तू, पहले तू, पहले तू, पहले तू, लेडीज फर्स्ट। मैं तेरे को लेडीज नजर आता हूं क्या? थोड़ा थोड़ा तो लगता है। अच्छा ठीक है, बड़े दिल से निकली हुई शायरी है, तवज्जो दीजिएगा, है ना, तू भी देना। क्या देना है? तवज्जो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, रेडी रेडी। हाँ कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से। वाह क्या बात है, थैंक यू, वेलकम। हाँ इतने कितने बोलने दे, इतने कितने भाई मेरे, शायरी बोल लेने दे। अच्छा साले, क्या जीजा जी? हाँ ओके, कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से कि मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। देख तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। चुप रहे। अच्छा ठीक है, इसको लगता है इसको बहुत दिमाग। अभी एक सवाल पूछता हूँ, एक बात बता, एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है, तो सप्ताह में कितने अंडे देगी? अबे छह कैसे देगी, सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, संडे को छुट्टी ही तो रहती है, है कि नहीं? अच्छा संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन एक बात मैं साहब आपसे बोल दूं फिर से कि मेरी बातों को, रोमियो की बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। किसका बच्चा है, कहां जा रहा है?
किसी का बच्चा होगा, इसके होंगे कहाँ गए, मम्मी पापा भी कहे गए होंगे, नहीं कौन सी सीम, कौन सी कंपनी का सीम है, कौन सी कंपनी का सीम है, ऐसे बच्चा है घूम रहा है। हाँ घूम रहा है, ऐसे ही बच्चा को घुमाते रहते हैं, मतलब बच्चे को घुमाते रहते। चल अच्छी बात है, मैं आपको एक बात और यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अभी एक भाई साहब यहाँ पर थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम सुन रहे थे, अभी वो चले गए, उनका फोन आया है। इतनी रात को दो ही लोगों का फोन आता है, इतनी रात को दो ही लोगों का फोन आता है, किसका, एक तो उधार का, हाँ या फिर जुगाड़ का। थोड़ी देर प्लीज शांति बनाए रखिएगा, इस एक्ट में आपकी उपस्थिति बिल्कुल शांति के साथ चाहिए, तब मजा आएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो रोमियो है इसको काफी कुछ पता चलता है। किसी के होते हैं करली बाल, किसी के होते हैं सिल्की बाल, और जिससे सब परेशान है वो केजरीवाल, नहीं नहीं केजरीवाल नहीं, झड़ते बाल, झड़ते बाल से लोग परेशान है। तो मैं ये क्या कर रहे हैं, देख रहा हूँ किसके किसके सर पे बाल कम है। अच्छा किसके किसके सर पे बाल कम है ये देख रहा है अंकल जी। अच्छा जिसके सर पे बाल कम होते हैं ऐसा क्या क्या होता क्या है, जिसके सर पे बाल कम होते हैं ना, हाँ उसको पत्नी बहुत मानती है, आपको भी मानती है। हाँ वो भाई साहब उनको भी मानती है ना। अच्छा कैसे कैसे, क्योंकि आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं। अच्छा आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, कौन, एक माँ, हाँ एक माँ और एक पत्नी। अच्छा एक माँ और एक पत्नी, फिर क्या होता है, जो माँ हाथ फेरती है, हाँ जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और पत्नी फेरती है तो चले जाते हैं। ऐसा है क्या, अच्छा इनके सर को देखकर वो भाई साहब उधर देखकर, और भी कुछ लोग हैं जिनके सर पे बाल कम है उनको देखकर क्या लग रहा है, इनको देखकर लग रहा है हाँ मोहल्ले की दो चार औरतों ने ही हाथ फेरा। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ओके ओके। देखिए साहब मैं मुंबई रहता हूं जैसा कि आप जानते हैं, आप मेरे फेसबुक मेरे यूट्यूब पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे कॉमेडियन राज सोनी नाम से, कॉमेडियन राज सोनी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं मुंबई से कार्यक्रम के लिए जाता हूँ, ब्लू फायर एंटरटेनमेंट जब भी मुझे यहाँ बुलाता है या कहीं भी बुलाता है, आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, मुझे भी अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लगेगा। तो ये सरकारी नौकरी करता है, फिर भी ये मेरे साथ कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां पहुंच जाता है। एक बात बता, तू छुट्टी कैसे लेता है, छुट्टी, हाँ छुट्टी कैसे लेता, सरकारी नौकरी में तो ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, तू सर को क्या बोलता है, अपने बॉस को क्या बोलता है, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अच्छा सास मर गई ऐसा बोलता है, फिर क्या होता है, 10 दिन की छुट्टी। अच्छा इस तरह से 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, फिर छुट्टी लेनी हो तो, अरे अब क्या हो गया, मेरा ससुर मर गया सर। अच्छा फिर ऐसे क्या होता है, फिर 10 दिन की छुट्टी। अच्छा लेकिन हमारा तो कार्यक्रम अक्सर होता ही रहता है, फिर छुट्टी लेनी हो तो, मेरी सास मर गई, अरे एक मिनट, फिर छुट्टी लेनी तो, ससुर मर गया सर। अब एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, पहले तेरी सास मरी, फिर तेरा ससुर मर गया, फिर तेरी सास मर गई, फिर ससुर मर गया, तो बॉस ने कुछ नहीं कहा, बॉस ने यही कहा, फिर तूने क्या कहा, मैंने कहा हाँ सर, हाँ सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है, और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। अच्छा ओके ऐसा होता है क्या, चल अभी अभी देख मुंबई का तबका लग गया है, मुंबई की बातें हो गई हैं। ये कैमरामैन आया है क्या, हाँ कैमरामैन आया है, फोटो ले रहा है, संतोष म्यूजिक वाला है क्या, हाँ हाँ वही है वही है, संतोष क्या हाल है भाभी का, भाभी के बारे में क्यों पूछ रहा है, तो भैया के बारे में कौन पूछता है। अच्छा ठीक है, खैर मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देख मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो पुरुष हैं जो इतना अच्छा साथ देने का, यहाँ के युवा यहाँ के बुजुर्ग सभी लोग, बुजुर्ग नहीं बोलने का, बुजुर्ग को बुजुर्ग नहीं बोलू तो
भूतपूर्व नौजवान। ओके ओके, भूतपूर्व नौजवान सभी लोग यहाँ पर हैं, बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देख एक लाइन मैं बोलूंगा, अगली लाइन तू बोलना। ओके ओके, हाँ रेडी रेडी। दोस्तों हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त, चुस्त और तंदुरुस्त, हाँ तो खाइए। क्या खाइए? अबे यार तेरे को बोलना है क्या खाना है। ओके ओके रेडी, इस बार हाँ दोस्तों दोस्तों हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। क्या हो गया? अबे गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है। सेव खाइए, सेव। हाँ सेव खाइए, सेव। और खास करके महिलाएं। महिलाएं किधर है? उधर उधर महिलाएं। अबे खास करके महिलाएं, खास करके महिलाएं, अगर आप रहना चाहती हैं फिट, अगर आप रहना चाहती हैं फिट, हाँ बड़ी खुशी हो रही है तुझे, होगी नहीं? तेरे को जलन हो रही? मेरे को जलन की होगी। महिलाएं, हाँ महिलाएं, अगर आप रहना चाहती हैं फिट, अगर आप रहना चाहती हैं फिट, हाँ तो पीजिए दारू। क्या हो गया? अबे यार दारू नहीं, जूस, जूस पीजिए। हाँ जूस पीजिए, जूस। देखिए साहब, जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। तो फिर जवानी में ही। अच्छा ऐसा है। ओके ओके, चल अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारी प्रस्तुति है। बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज हाँ एंड जेंटलमैन, एंड लेडीज, जेंटलमैन, लेडीज। सुनना पूछना, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? अबे जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू तू क्यों नहीं बोलेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेंटलमैन। ओके ओके, तो तू क्या बोलेगा? लेडीज। चल छोड़ दे, मैं बोलता बाय लेडीज एंड। क्या हो गया? एक मिनट, कुछ कहना है? ओके कुछ जरूरी है? टिंकु जी मोटा भाई को कभी तेरे को पिटवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मोटा भाई से मत पिटवाना। हाँ बोल बोल, तेरे को कुछ कहना था? सनोज जी को कभी पिटवा दूंगा। अरे बाप रे, इतनी धमकी क्यों दे रहा है तू? धमकी क्यों दे रहा है? दिसंबर जी को। दिसंबर नहीं, दिगंबर। हाँ भाई, उनसे भी पिटवा देगा। अच्छा कुछ कहना है कह दे, कह दे जो कहना है कह दे। कह लेडी।